जवाब दिया, महत्वपूर्ण जानकारी उनको दी। अब राशिफल का रुख कर लेते हैं। आचार्य जी, मैं चाहूंगी आप दर्शकों को बताएं हमेशा की तरह कि आज उनका दिन कैसे रहने वाला है, कौन कौन से उपाय करने चाहिए आज। आइए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि। आज आप अपना काम बहुत सलीके से करेंगे। मेष राशि के जातकों को आज व्यावसायिक योग्यता विकसित होगी, नए उद्यम में सफलता मिलेगी। आप अपनी बौद्धिक क्षमताओं के कारण प्रचुर सम्मान भी आज प्राप्त करेंगे। आज आप बहुत प्रभावशाली और प्रसिद्धि प्राप्त करने के संयोग बनते हैं। आइए अब बात करते हैं अगले राशि वृषभ राशि। आज आप किसी पुरानी बात को लेकर के थोड़े परेशान रहेंगे, लेकिन शाम तक सब नॉर्मल और सब आपके ठीक ठीक होने लगेगा। आइए अब बात करते हैं अगले राशि मिथुन राशि। आज आप लेन देन के मामले को लेकर के बहुत परेशान रह सकते हैं। मन धर्म की ओर आकर्षित होगा। जोखिम भरे निर्णय लेने से आपको बचना चाहिए। आपके जीवन में सुख में व्यतीत कर सकते हैं और मित्रों के साथ कहीं पर मनोरंजन आज्ञा भी संभव। आइए अब इसी के साथ बात करते हैं अगले राशि कर्क राशि। आज कर्क राशि वालों के पास धन की वृद्धि होगी और स्थिति में सुधार। आज आप सभी प्रकार के भौतिक सुखों का आनंद लेंगे और नए अधिग्रहण हो सकते हैं। सामाजिक रूप से आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी और अपने बच्चों की प्रगति से आप बहुत खुश होंगे। आइए बात करते हैं अगले राशि सिंह राशि। आज किसी काम को करते समय आपको अपना मन शांत रखना चाहिए। जल्दीबाजी में किए गए कामों से आगे परेशान हो सकते हैं और पैसे से जुड़े बड़े फैसले आज आपको सोच समझ करके ही लेने चाहिए। आइए अब बात करते हैं अगले राशि कन्या राशि। कार्यों में आज सफलता आप करेंगे। मन धर्म की ओर आकर्षित होगा। अच्छा बड़े लाभ से आपका मन बहुत आत्म दिखाई देगा। दाम्पत्य जीवन आइए आप बात करते हैं अगली राशि तुला राशि। नौकरी और व्यवसाय के लिए एक अच्छा समय है। आपको आपकी उपलब्धियों के लिए उचित परितोष प्राप्त हो सकता है। वृद्धि बेहतरी तरीके से आपका फर्क बढ़ेगा और आपकी क्षमता स्टॉक और सहकर्मियों के साथ मजबूत संबंध स्थापित कर। आइए बात करते हैं आज आपका सूचक आपकी आर्थिक अच्छी रही। ऑफिस में सीनियर्स आपके ये आज का दिन शानदार है। आइए बात करते हैं अगले राशि धनु राशि। धनु राशि वाले लोग अपने पार्टनर के लिए कुछ खास प्लान करेंगे। अपनी नौकरी बदलने का ये सबसे अच्छा समय है क्योंकि उत्कर्ष अवसर आज आपको प्राप्त होगा। व्यापार में नए अनुबंध हो सकते हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी और ईश्वर के प्रति आज आपकी आस्था बढ़ेगी। आइए अब बात करते हैं अगले राशि मकर राशि। मकर राशि वाले लोगों का आज किस्मत आपके पक्ष में रहेगा, किंतु वाहन चलाते समय सावधानी बरतें। अगर हो सके तो रात में वाहन ना चलाएं। आप कई चीजों पर पैसे की बर्बादी कर सकते हैं। ध्यान दें, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। अगर किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ज्यादा मेहनत की जरूरत है। आइए अब बात करते हैं अगले राशि कुंभ राशि। आज आप अपने व्यक्तित्व को निखारने की कोशिश करेंगे, लेकिन पैसे की चिंता आपको थोड़ा परेशान कर सकती है। आपके कुछ काम देर से पूरे होंगे और ऑफिस में सबके साथ अच्छे से पेश आएंगे।
आपके लिए फायदेमंद रहेगा। आज आपको किसी बचपन के दोस्त से मिलने का मौका मिल सकता है। आइए अब बात करते हैं अगले राशि मीन राशि। आज आप में जोश आकर के किसी से कोई वादा न करें, कोई नजदीकी रिश्तेदार आपकी मदद को आगे आएगा और किसी चुनौतीपूर्ण समस्या का सामना करने के लिए आपको अपनों की मदद व मार्गदर्शन की जरूरत पड़ेगी। जीवन साथी के साथ एक आरामदायक आज का माहौल रहेगा। इस प्रकार से आज का हमारा अपना यह है राशि। उपाय करने चाहिए और कैसा आज का दिन दर्शकों का रहने वाला है, महत्वपूर्ण जानकारी आचार्य जी ने दिया। आचार्य जी, जिस तरीके से आज हमने विषय रखा है चर्चा का, आपने बताया अशुभ योग, आपने बताया पांच कौन कौन से अशुभ योग होते हैं, मैं चाहूंगी आप शुभ योग के बारे में बताएं कि कौन कौन से शुभ योग होते हैं जिनके प्रभाव व्यक्तित्व पर, व्यक्ति के जीवन पर और आने वाले भविष्य पर पड़ते हैं। देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न रखा है। जैसे गज के योग है, गज के योग व्यक्ति को राजा की तरह जीवन देता है और ये भी कह सकते हैं कि ऐसा जीवन होता है कि वो व्यक्ति थोड़ा सा मेहनत करता है, काम लोग होते हैं और नाम होता है और बड़े धैर्य से बहुत आगे वो बढ़ता चला जाता है। कई बार हम आपको बता रहे हैं कि कुंडली में शुक्र ग्रह से अन्य कोई ग्रह यदि युति कर रहा हो, ऐसे में ग्रह की महादशा मैं गुरु शुक्र व शनि के अंतरकाल यदि है, ऐसे जो युवा है जिनकी शादी विवाह में देरी हो रही है तो तुरंत भाव से उनका शादी विवाह पैदा होता है। कई बार ये भी मंडी जी देखने को मिलता है कि यदि महादशा सप्तम भाव के स्वामी की चल रही हो तो सप्तम भाव में स्थित ग्रह बृहस्पति शनि के अंतरकाल में यदि है स्थिति तो व्यक्ति की चट या पट हो गया। ये बहुत चीजों को संकेत करते हैं। और देखिए, जन्म कुंडली के जो ग्रह है वो कितना जबरदस्त प्रभाव छोड़ते हैं। आप देखिए, कई व्यक्ति कहते हैं कि ये व्यक्ति कंपनी करते हैं, इनका नाम हो रहा है और बड़े आराम से आज उसके पीछे ग्रह का, अच्छे ग्रह का साथ होता है। और जब अच्छे ग्रह का साथ होता है तो व्यक्ति फिर वो तरक्की और उन्नति की ओर अपने आप बढ़ता चला जाता है। आपको आज बता दें, आज की स्थिति मैंने जी यह है कि युवा योग्यता रखता है, क्षमता रखता है, सामर्थ्यता रखता है, काबिलता रखता है, मगर उसके बाद भी उसका विवाह देरी से हो रहा है। क्या कारण? सुंदर है, सुशील है, सज्जन है, युवा है, उसके पीछे ग्रह होते हैं और माता पिता बिल्कुल आचार्य जी कई बार असुरक्षित महसूस करते हैं कि हमारे बच्चों की शादी, इसके भी ग्रहों का सही होता है। ठीक है आचार्य जी, अपने भी ग्रहों का सही होता है। ठीक, आचार्य जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, महत्वपूर्ण जानकारी आपने दर्शकों को दी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे सभी दर्शक स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे, इन्हीं शुभ और मंगल कामनाओं के साथ श्री राम जय राम, जय जय राम, मेरे राम की जय जी। भाग्यफल फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।